نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम पढ़ रहे थे वाक्या इफ 10 से लेके 20 आयात, 18वां सिपारा था, सूरह नूर थी और सूरह नूर में से हमने 10 से लेके 20 कल आयात पढ़ी थी, सूरह वाक्या इफ पढ़ा था। इफ के मतलब होते हैं किसी चीज को उल्टा देना। तो इस वाक्य में चूंकि मुनाफिकीन ने मामले को उल्टा दिया था, यानी कि हजरत आयशा जो थी वो तो तारीफ के मुस्तहक हैं, बेहतरीन करदार की मालिक, बेहतरीन खानदान की मालिक, लेकिन जालमों ने उनकी इफ्फत को, उनके करैक्टर को उलट कर तान और बहतान तराशी जो थी वो बना ली थी। तो ये इसको कहते हैं इफ्क। और इसमें जो मेन करैक्टर थे वो थे हजरत हसान थे जो बहुत बड़े शायर हैं, मस्ता बिन असासा थे जो उनके फर्स्ट कजन लगते हैं हजरत आयशा के, और हमना बिनते जहश थी जो हजरत आयशा की सौकन की बहन थी। तो उन्होंने जालिसी की वजह से जो इस वाक्य को अजीब से अजीब जो था वो रंग दे दिया था। तो बहरहाल ये कल हमने वाक्य इफ पढ़ा था और आज हम चलते हैं आयत नंबर 21 पे और इसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेज आपके साथ शेयर हो रहा होगा। इसमें है या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो, आमनो जो ईमान लाए हो, ला नहीं, तत्ताबिउ इत्तबा से है और तुम इत्तबा करो या तुम पैरवी करो, खुतुवाते, ये बहुत दफा रिपीट आ चुका है, खुतुवाते कदमों की, अश्शैतान शैतान के, वमई यत्ताबी, और जो शख्स इत्तबा करेगा, जो शख्स पैरवी करेगा, खुतुवाते शैतानी, शैतान के कदमों की, फाइन्नहु, तो बस बेशक हो, या अमरु, हुक्म देगा, अमर से है, बिल फहशाई, किसका हुक्म देगा, फहश का, बुराई का, बेहयाई की बातों का, वल मुनकर, और बुरे काम, वलौला, और अगर ना होता, फजलुल्लाही, अल्लाह का फजल, अलैकुम, अल्लाह ऊपर और कुम तुम्हारे, व रहमतहु, और उसकी रहमत, मा ज़का ना पाक हो सकता, ज़का जैसे ये तस्किया से है, मिनकुम, तुम में से, मिन आहदिन, कोई एक भी, आबदन, कभी भी, वला किन्ना, और लेकिन अल्लाह ताला, युज़क्की, वो ज़की करता है, वो पाक करता है, मैं यशा, जिसको चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला। आयत नंबर 21 का मुहावरा देख लें, मोमनो, शैतान के कदमों पर ना चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पे चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे कामों ही का बताएगा, और अगर तुम पे अल्लाह का फजल, उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अब आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला मोमिनों को तलकीन फरमा रहे हैं कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है, शैतान है। अब हमें इसे होशियार रहना है, और वो क्या कर रहा है, अब उसके हथकंडे क्या हैं, उसकी टैक्टिक्स क्या हैं, वो तुम्हें बेहयाई की बातें सिखाता है, तुम्हें हुक्म देता है कि तुम बेहयाई और बेशर्मी की बातें करो और माशरे को गंदा करो। ये बेहयाई अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, ये शैतानी फेल है, और ये अल्लाह का करम है कि उसने तुम लोगों को नेकी और बदी की तमीज अल्लाह ताला ने समझा दी। अगर वो अपना फजल ना करता तुम में से कोई शख्स भी पाक ना हो सकता, वो जिसको चाहता है पाक करता है, वो सुनता है, जानता है, वो तुम्हारे दिलों के अंदर जो ख्यालात गुजरे हैं वो उनसे भी वाकिफ है, वो उनको भी जानता है कि कौन पाक होना चाहता है और कौन नहीं। यानी कि अल्लाह सुबहाना ताला आपकी नियतों को भी देख रहे हैं, आपके अरादों को भी देख रहे हैं, आपके मामलात को भी जानते हैं, और आपको खुद खूब अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी पाकीजगी के साथ रगबत है, किसको गंदगी के साथ है।
और अल्लाह ताला वो है जो अल्लाह ताला पाक दिलों को पसंद फरमाते हैं। अब आप देखें कि कि शैतान का तो काम यही है कि शैतान का सबसे बड़ा काम जो है वो तो है शिर्क, यानी कि इंसान को अल्लाह के साथ अल्लाह की जात और सफात में किसी और शख्सियत की इन्वॉल्वमेंट करवा देता है, ठीक है जी। दूसरा उसका काम क्या है, सबसे बड़ा काम उसका क्या है, फहाशी फैलाना, बुराइयों और बेहयाइयों के कामों में मुबतला करना और इंसान का ईमान तबाह करना, उसको गुमराह करना। शैतान का इंसान पे सबसे पहला वार तो यही होता है कि उसको शिर्क की नई राय सुझाता है और बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश करता है और जिसे कम ही लोग बचते हैं, और इसी तरह तौहीद से गुमराह करके शिर्क में मुबतला कर देता है, और दूसरा ये कि लोगों को बेहयाई के कामों में मुबतला कर देता है, और वो भी बहुत, कहते हैं ना गुनाह में अट्रैक्शन है, बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको जो है लोगों को बुराई की तरफ बुलाता है। और आप देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ा जो उसने पहला भटकाया था, किसको भटकाया था दुनिया में, जब शैतान ने सबसे पहले किसको भटकाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को। जब अल्लाह सुभान तआला ने उनको जन्नत में रखा और उनको कहा कि सब कुछ एंजॉय करो, बस वो खास दरख्त है उसके पास उसका फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने उनको, जिसको कहते हैं ना अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, उनके वसवसों में आ गया, उनके सामने एक वेल विशर के रूप में पेश हो गया और उन्हें सबस बाग दिखाए और अल्लाह की नाफरमानी पे आमादा किया कि देखो जी तुमने ये फल खा लिया तो तुम इटर्नल हो जाओगे, हमेशा की तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, और बहुत से ऐसे उनको बताए कि तुम्हें वापस दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि एक जगह दुनिया बन रही है उसके रहने के लिए और उसको टेम्परेरी तौर पे जन्नत पे रखा हुआ है, तो शैतान ने उसको बहकाया कि ये फल खा लोगे एक तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। अब जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बातों में आ गए और जब उन्होंने वो फल खा लिया तो फिर क्या हुआ, उसके नतीजे में दोनों का लिबास उतर गया। यानी कि इंसान, शैतान का सबसे पहला वार शिर्क और शिर्क के बाद आपके कपड़े उतार लेता है। जब आपको समझ आए आपके कपड़े कम होना शुरू हो रहे हैं तो ये शैतान का वार है, क्योंकि शैतान ने सबसे पहला वार जो किया था, जो सबसे पहला किया था, उनको उनके कपड़े उतार लिए थे। आप देखें, और ये कपड़े एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब अल्लाह सुभान तआला ने हजरत आदम हवा को पैदा किया तो एक अल्लाह तआला ने उनको खलत, एक लिबास बख्शा। जाहिर उस वक्त कोई टेलर तो नहीं थे ना बैठे हुए, यहाँ आपको ब्रांड्स तो नहीं थे, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक सतर में ढांपे हुए भेजा, यानी कि ये लिबास जो था अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा था, और उस तोहफे को हमने मजाक उड़ा लिया, उसको हम लोगों ने उसको छोटा करना शुरू कर दिया, कभी बाजू गायब आधे हुए तो फिर गायब हो गए, फिर दुपट्टे चुने हुए आ गए, फिर दुपट्टे गायब हो गए, और फिर जब दुपट्टे आ भी गए तो वो गलों के अंदर ऐसे लटके हुए होते हैं जैसे वो हार या नेकलेस आपने पहना होता है, और जैसे आप एंकर्स को देखते हैं, एंकर्स क्या हमारे आजकल की बच्चियों का यही हाल है, उनका हुलिया आप देखें, तो ये शैतान का वार है कि सबसे पहले वो आपकी शर्म पे वार करता है, आपके कपड़े कम करना शुरू कर देता है। आप देखें, पहले लंबी कमीज से लंबी से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्ट, और मैं अक्सर वो याद सीन याद करती हूँ कि एक दफा मैं कहीं गाड़ी में पार्किंग की तो मेरे से आगे एक बच्ची ने पार्किंग लगाई गाड़ी, और वो जब उतरी तो वो कमीज इतनी शॉर्ट थी और वो शायद कोई कलफ शायद थोड़ा बहुत लगा होगा कि वो जब उतरी तो उसकी कमर नजर आ रही थी, यानी कि वो कमीज उठकर ऊपर तक इतनी जा चुकी हुई थी। तो आप सोचें, तो बहरहाल बहुत कुछ है अगर हम इस पे बात करें, तो ये बात हो रही है शैतान के वार की, वो आपको फहाशी पे मजबूर कर देता है। और वो जो कहते हैं ना कि घर की चार दीवारी औरत के लिए कैद खाना और उसकी आजादी पे ढक्का डालने के मुतरादिफ है, या पर्दा एक बैकवर्ड चीज है, तो कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक औरत घर की चार दीवारी से बाहर ना निकले या बेहजाब होके मर्द के शाना बिशाना काम ना करे, और अगर औरत घर में बंद रही तो ये मुल्क की इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो ये सब बातें, बेहयाई की बातें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की बातें
शैतान इतने प्यारे स्लोगन्स बना के इंसान के सामने पेश करता है और फहाशी में इस तरह उसको इन्वॉल्व करता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो शैतान का पैरोकार बन गया, अल्लाह का बंदा बनने की बजाय वो शैतान का बंदा बन गया। तो यहाँ पे यही चीज बयान की जा रही है। अब आप देखें कि आजकल फहाशी की इशात की बहुत सी सूरतें, मसलन कैसे आप देखें सिनेमा घर हैं, अब आजकल तो वैसे कोविड की वजह से कुछ सिनेमा वगैरह कुछ मना हो गए, लेकिन आप देखें होटल्स थे, प्राइवेट कमरे थे, अच्छा उसको छोड़ें ये जो हमारे घर घर में आपके टीवी, आपके एलईडीज, आपके नेटफ्लिक्स हैं, फिर इसके अलावा पहले जमाने में तो खैर लिटरेचर होता था, वो सिडनी शेल्डन के नावल पढ़ लिया करते थे या और उस तरह की लिटरेचर गंदा पढ़ के लोग अपने आप को जरा कुछ कर लेते थे। आजकल तो वो यूट्यूब, मैं कहती हूँ फहाशी इज जस्ट अ क्लिक अवे, ऐसे आप क्लिक करें वो आप कुछ ना भी देखें ना, आप कोई चीज अच्छी भी देख रहे होते ना तो दरमियान में एक एड पॉप इन कर जाता है और जिसमें वो लड़की की पिक्चर बनी होती है, आज वो दिस इज माय नंबर, टॉक टू मी एंड दिस एंड दैट। यानी कि आप ये देखें कि ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं ना कि शैतान ऐसे ऐसे तरीकों से आपके अंदर आपको फहाशी की तरफ लेके जा रहा है। आप देखें कि कोई भी इश्तिहार हो जाए उसमें औरत एक मस्ट है कि उसने हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज है उसको बेचने के लिए एक औरत ही आ गया है। फिर आप देखें नाच गाने की महफिलें हैं और फिर उसके बाद देखें कि फिर आपका जो इको गैदरिंग्स होती हैं, फिर आप ये देखें कि मेकअप का सामान बेचने की खातर उन्होंने औरतों की, आप देखें कि कैसी उनकी तस्वीरें, या ज्वेलरी बेचने के लिए आप देखते हैं कि जो मॉडल होती है उसने ज्वेलरी पहनी होती है और कुछ नहीं पहना होता, यहाँ वो इतना डीप गला और ये सब कुछ होता है ताकि उसकी ज्वेलरी प्रोमिनेंट हो जाए। और फिर आप देखें कि बाद अदारों ने और उन लोगों ने सेल्स गर्ल्स रखी होती हैं। आप देखें आजकल जितने होटल्स देख लें उसमें भी आप देखें कि बेचारी जो बच्चियां होती हैं वो काम कर रही होती हैं एंड दे हैव टू वियर दैट यूनिफॉर्म, जो उनके जो कंपनी उनको कहती है कि ये यूनिफॉर्म आपने पहना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतें जो है वो बेस्ट तरीके से चीज को सेल करेंगी, या वो एक कमोडिटी, वो खुद भी कमोडिटी और वो खुद वो कमोडिटी को अच्छी तरह उसकी मार्केटिंग कर सकेंगी। बहरहाल बहुत सी चीजें हैं जिसमें शैतान हमें इन्वॉल्व करते थे। तो अब हम आयत के तर्जमे की तरफ दोबारा जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ए मोमनो शैतान के कदमों पे ना चलना। शैतान के कदमों पे चलना क्या होता है? शैतान, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, शैतान हमारे हर बंदे के साथ उसका शैतान होता है और वो शैतान उसके ख्यालात पे, उसके वसवसों पे ऐसा हावी हो जाता है, या कभी शैतान इंसान के रूप में आके उसका वेल विशर बनकर, जैसे हजरत आदम अलैहि सलाम के साथ हुआ था कि जी मैं तो आपका बहुत अच्छा वेल विशर, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो आपको भलाई के लिए मशवरा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे तरीके से आपको शैतान शैतानी कामों में इन्वॉल्व करेगा कि आप उसके कदमों पर चलेंगे। ठीक है जी। और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई और बुरे कामों का ही बताएगा ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैतान इसके अलावा और क्या बताने का, नमाज पढ़ ले। वो कहते हैं ना कि एक दफा एक शख्स था, रात के वक्त वो उठा, ये पुराने जमाने की बात है, यानी कि जब वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, रोड्स और ये इतने वो आपके पेव्ड चीजें नहीं थी, तो कहते हैं कि वो शख्स उठा रात नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ने गया तो रास्ते में अंधेरा नहीं था, गड़ा था सड़क में, तो वो नीचे गिर गया, उसका पाँव गिरा और उसके सारे कपड़े जो थे नापाक हो गए, कीचड़ से आलूदा हो गए। उसको बेचारा उठा, उठ के घर गया, घर जाके नहाया, फिर दोबारा से सूट चेंज किया, फिर वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पे गया, दूसरी दफा भी गिरा वही रास्ते से, फिर गिरा, फिर उसके कपड़े खराब हुए, फिर तीसरी दफा, फिर नहा के तीसरी दफा फिर जब निकला, जब तीसरी दफा गिरने लगा तो किसी ने इसका हाथ पकड़ के उठा लिया। तो उसने कहा, वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा मेहरबानी कि आपने मुझे बचा लिया। तो उसने कहा कि भाई मैं शैतान हूं भाई, जब तुमने पहली दफा उस गड़े में गिरे और फिर हिम्मत हारे बगैर, दिल खराब किए बगैर तुम दोबारा घर में गए, दोबारा तुमने नहा धो के कपड़े पहने, तो अल्लाह ताला को तुम्हारी बात इतनी अच्छी लगी, अल्लाह ताला ने कहा कि इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाए। और फिर जब तुम दूसरी दफा फिर गड़े में गिरे और फिर उसी जोश के साथ दोबारा घर गए, दोबारा से कपड़े बदले के नमाज पढ़ने जाना है, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा कि ये इतनी अल्लाह ताला को अच्छी लगी, अल्लाह ताला ने कहा इसके तमाम रिश्तेदारों के गुनाह माफ कर दे। तो अब मुझे था कि अब तुम गड़े में गिरे तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत के गुनाह ना माफ कर दे। तो मैंने कहा कि ओहो, फिर अगर ये मैंने उम्मत के गुनाह माफ कर दिए तो मैंने तो अल्लाह ताला को चैलेंज दिया हुआ है,
कि मैंने तो लोगों को जहन्नम में लेके जाना है। तो उसने शैतान ने उस शख्स को बचा लिया कि ऐसा ना हो कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए और अल्लाह ताला पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ करवा दे। तो ये है शैतान के कदमों पे चलना, और शैतान सवाए फहश और बुराई बुरी बातों के वो कहीं और आपको मोटिवेट नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम पे अल्लाह का फजल और मेहरबानी ना होती। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला बता रही है कि ये भी अल्लाह का फजल है कि जो शख्स शैतान के वार से बच जाता है, जो उसकी फहश बातों से बच जाता है, तो ये अल्लाह की खास रहमत है कि उसने तुम्हें इस फितने की रो में बचने से बचा लिया। वरना शैतान का हमला इतना जोर आवर है कि अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे शामले हाल ना हो तो शायद तुम में से कोई भी इसमें से बच ना सके। तो इसमें एक ये है कि जाहिर है जो बंदा हर वक्त उसकी जुबान पे कलमा तस्बीह अल्लाह का जिक्र होगा तो शैतान उससे कोसों दूर भागेगा। तो पाक सीरत बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए भी अल्लाह का एक ज़ाबता है, वो ये कि जो शख्स खुद पाक सीरत रहने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे पाकीजा रहने की तौफीक भी देता है, और वो खूब जानता है कि कौन शख्स इस पाकीजगी का अहल है और कौन नहीं है। ये बात मैंने बहुत बार डिटेल से बताई कि आप जिस रास्ते पे होते हैं ना अल्लाह ताला वो रास्ता आपके लिए आसान कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हदायत के रास्ते पे हैं, आप कुरान क्लासेस के रास्ते पे, अल्लाह ताला आपको और खिड़कियां और आपको जो होते हैं ना ऐसे मैसेजेस ये चीजें आने लग जाती है, हाँ यहाँ भी क्लास हो रही है, अगर जो आपका इंटरेस्ट हो, यानी कि आपके रास्ते अल्लाह ताला आसान कर देता है। और जो शख्स गुमराही के रास्ते पे हो तो अल्लाह ताला कहते हैं ओके, अल्लाह ताला ने मर्जी बख्शी है, फिर अल्लाह ताला उसको उसके गुमराही के रास्ते में उसको उसके लिए आसान हो जाते हैं। जैसे कहते ना एक झूठ बोलना मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर झूठों झूठ की चेन लग जाती है। तो यानी कि उसको पहला बुरा काम करना मुश्किल होता है, उसके बाद वो बंदा ढीठ हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है, और उसके लिए वो बुरे काम करने उसको बुरे महसूस होते ही नहीं। यही अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह सुनता है और जानता है कि कौन बंदा किस नीयत से क्या काम कर रहा है। आयत नंबर 22 वाला, और ना यातली, यातली यातली होता है कसम खाना, ठीक है जी, एतला से है कि वो कसम खाए। उलू साहब, उलुल फजली साहब फजल, मिन कुम तुम में से, वसाती वसाती उर्दू का लफ्ज क्या है, वाव सीन आइन वुस्सत से है, और वुस्सत डाल और वुस्सत वाले, आई युतू ये कि नहीं देंगे, उलुल कुर्बा, उलुल कुर्बा कुर्बत कुर्बत वाले कराबत दारों को, वल मसाकीना और मसाकीनों को, वल मुहाजिरीना और महाजरों को, फी सबीलिल्लाही और अल्लाह के रास्ते में, वल याफू बहुत खूबसूरत ये लफ्ज है, वल याफू व मैंने वो और ला मैंने अलबत्ता, यह मैंने वो और आगे अफू कि अलबत्ता चाहिए कि अफू कर दे माफ कर दे, वल यस्फहू वाह मैंने और ल मैंने अलबत्ता ये मैंने वो और आगे क्या है, स्वाद फे है, ठीक है ये बना कि ये क्या कर दे, सफा चाहिए कि दरगुजर कर दे। ये दो लफ्ज अगर हम अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल कर लें तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हो जाएंगे। वल याफू वल यस्फहू आगे है अला क्या नहीं, तो है बूना तुम पसंद करते, अन के यग़फिर अल्लाहु माफ कर दे अल्लाह लकुम तुमको, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब इसको बाब मुहावरा आयत नंबर 22 को देखते हैं, और जो लोग तुम में से साहबे फजल और साहबे वुस्सत हैं इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ खर्च नहीं देंगे, इनको चाहिए कि माफ कर दें दरगुजर करें, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा जी आयत नंबर 22 बड़ी खूबसूरत आयत है, और इसका जो शाने नजूल है पहले वो बात करते हैं कि ये शाने नजूल क्या था। ये आपका वाक्य इससे एसोसिएटेड आयत है कि हमें पता चला था कि हमने देखा था कि वाक्य इफ में हजरत आयशा के जो कजन थे सगी खाला के बेटे मस्ता बिन असासा, उसका हजरत आयशा की इस बोहतान को प्रोपोगेट करने में बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है जी।
अभी तो वैसे ऑनेस्टली हमने वाकई इसके नतीजे नहीं किए, उसके हमने मॉरल्स पिक नहीं किए, उसको हमने अपनी अमली जिंदगी में नहीं सोचा कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। वो इंशाल्लाह चला जिंदगी रही तो साथ साथ करेंगे, क्योंकि कल बहुत लंबा लेक्चर वाकई इस पर ही हो गया था। तो अब ये जो थे ना मस्ता बिन असासा, ये हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, मस्कीन थे। हजरत अबू बकर ने इनकी कफालत करते थे। जब मदीना में मुनाफिकीन ने हजरत आयशा पे बहुतान जो शुरू किया और इसके उसको प्रोपोगेट किया, तो मस्ता मस्ता भी इज वन ऑफ देम। तो हजरत आयशा फरमाती है कि जब अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाजल फरमाई, तो हजरत अबू बकर ने कसम खा ली कि आइंदा वो मस्ता की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना रिश्तेदारी का लिहाज किया ना उन एहसानात ही के कुछ शर्म की जो सारी उम्र वो उनके खानदान पे करते रहे। इस पर ये आयत नाजुल हुई और इसको सुनते ही हजरत अबू बकर ने फौरन कहा, अल्लाह जरूर हम चाहते हैं ऐ हमारे रब कि तू हमारी खताएं माफ फरमा दे। चुनाचे आप रजी अल्लाह ताला उन्होंने फिर मस्ता की मदद शुरू कर दी और पहले से ज्यादा एहसान करने लग गए। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत है कि ये कसम हजरत अबू बकर के अलावा बात और सहाबा ने भी खाई थी, जिन जिन लोगों ने इस बहकान में हिस्सा लिया था कि इनको कोई अमदाद नहीं करेगा। इस आयत के नजूल के बाद इन सब ने अपने अहद से रुजू किया और इस तरह वो सारी तलखी दूर हो गई जो मुनाफिकीन फैला रहे थे। बात आपको समझ में आई? हजरत अबू बकर जो थे, इनकी फैमिली को, मस्ता बिन असासा की फैमिली को फाइनेंशियली मदद कर रहे थे, और जब उन्होंने उनकी बेटी पे इल्जाम लगाने में बहुत बड़ा काम किया, तो जिस तरह गुस्से में कहते हैं अच्छा मैं तो इसकी मदद करता हूँ, तो इतना बदीद हो गया, इसको तो मैंने कभी मदद ही नहीं करनी। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने आयात उतार दी कि देखिए हर बंदे का अपना अखलाक है, आपने अपने अखलाक से नहीं गिरना। आप अपना वही काम करते रहे जिस तरह आप सिला रहमी कर रहे हैं। हजरत आयशा तो ये हजरत अबू बकर के जो थे, उन्हें गुजर औकात के लिए मस्ता बिन असासा उनकी फैमिली को कुछ जो कहते हैं ना उनको मंथली कुछ कुछ फिक्स किया हुआ था। और जब ये तोहमत लगाने वाले हो गए तो हजरत अबू बकर को बड़ा, जाहिर है फितरी बात है, उनको बड़ा गम हुआ तो कि भाई इसने भलाई का बदला बुराई से दिया है, चुनाचे इस वजह से उन्होंने कसम खा ली थी कि आइंदा ऐसे एहसान फरामोश की कभी मदद ना करेंगे। इस पर ये आयत नाजिल हुई और जिससे ऐसे लोगों से, ये जो मैंने दो लफ्ज आपको बताए थे ना वलयाफू वलयस्फहू, कि ऐसे लोगों से अफू और दरगुजर की तलकीन की गई। चुनाचे आपने फौरन इस हुक्म के आते ही सर तस्लीम खम किया और अल्लाह ताला से कहा कि हम जरूर चाहते हैं तू हमें माफ कर दे। चुनाचे आपने दोबारा मदद का सिलसिला जारी रखने का अहद किया, बल्कि ज्यादा मदद करने लग गए। और यहाँ पे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कि एथिक्स, उनका बहुत बड़ा असूल नजर आता है, यानी कि किसी को माफ करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ बर्ताव कैसे किया, बल्कि इसलिए माफ करना चाहिए कि अल्लाह इन्हें माफ फरमाएगा। ये ऐसी जरूरत है जिसकी हर शख्स को हर हाल में जरूरत होती है। आप ये देखते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक कितने कितने गलत काम, जुल्म, कोई किसी के साथ कोई ज्यादती करते जाते हैं, इसी तरह हर कसूर पे पकड़ ले तो कि हमारा क्या हाल हो। तो यहाँ अल्लाह ताला में सबक दे रहे हैं कि जिस तरह मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों पे एराज करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, तो तुम भी इग्नोर करना शुरू करो। हमें तो किसी कोई हमारे साथ कोई गलत काम करके जाए क्या, जब तक हम उसका बदला ना ले लें, जब तक हम उसको 10 लोगों के सामने जलील ना करें, हमारी वो ईगो जो हमारी जो सो कॉल्ड ईगो है वो हमारी ठंडी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी प्यारी एथिक्स सिखा दी। देखिए हर बंदा अपने अखलाक से पहचाना जाता है, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि आपके साथ, अब इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं और हमें समझ आ जाए, और अल्लाह सुनने, और जो लोग तुम, यहाँ पे जो आयत नंबर 22 में बताया गया है कि जो लोग तुम में से साहबे फजल हैं, साहबे वुसत हैं, इन्हीं के जो माशाल्लाह खुशहाल लोग हैं, उनको अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो इस बात की कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों और मोहताजों और महाजिर लोगों को कुछ खर्च, यानी कि उनको किसी तरह की उनकी मदद नहीं करेंगे। अब वही मैंने बताया इसकी शान नुज़ूल में वाकया क्या था कि
हजरत अबू बकर का, कि जब उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला ने ये आयात उतार दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था मैं अब और ज्यादा मदद करूंगा। और ये पैगाम, ये अल्लाह का मैसेज हम अब सबके लिए है कि हम लोगों ने कोई हमारे साथ, हमारा क्या होता है, रिश्तेदार कोई जरा बदसलूकी करता है, हम उसकी मदद कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा ही बदीद निकला, इसकी तो मैंने मदद ही नहीं करनी, इसको तो इतना मैंने कुछ किया और ये मेरे पीछे मेरी बातें करती है। यही तो इम्तिहान है, यही तो आजमाइश है कि आपने ऐसे लोगों ने जो आपके पीछे पीछे साजिशें कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, आपने उन्हीं की ज्यादा मदद करनी, किसके लिए, अल्लाह की रजा के। और ये दो लफ्ज अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो जिंदगी आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। कौन से, वल याफू वल यस्फहू, क्या करें, माफ करें, इग्नोर करें। मुश्किल लगता है कहने में, लेकिन कहने में तो शायद आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल लगता है। तो आज से आप सोचें इसके हम अमली पॉइंट क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हमारे मुतालिक जो दुनिया साजिशें कर ले, अब क्या साजिशों में क्या होती है, नंद बहू की साजिश चल रही होती है, जेठानी दरानी की चल रही होती है, नंद भाभी की साजिशें चल रही होती हैं, या दोस्तों की आपस में चल रही होती हैं, कुलीग्स की आपस में चल रही होती हैं, एक अजीब सी रैट रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। आप यकीन जाने हर वक्त हमारे खून सड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं बीपी हमारा लो और हाई इसी वजह से हो रहा होता है कि हमसे दूसरों की तरक्कियां, दूसरों के प्रॉब्लम, वो जो चीजें ना बर्दाश्त नहीं हो रही होती, और उसी की वजह से कि मेरे मतलब किसी ने ये कह दिया, यार कहने दें, आपका मुंह तो है नहीं, जिसका मुंह है और जितना उसका जर्फ है उसने उसी तरह बर्ताव करना है ना, आप वो करें जो आपका जर्फ है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का में कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि आज मुझ पे तुम पर कोई मुआवजा नहीं, आज मैंने तुम सबको माफ किया। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या क्या, जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, क्या क्या जुल्म हुए। आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके तंबू की दुनिया में किसी ने ओझड़ी ला के रख दी। आप सोचते थे कि दुनिया की अफजल तरीन शख्सियत नमाज पढ़ी है और वो सजदे में है और उसके ओझड़ी रख दी, आपके घर के बाहर कांटे बिछा दिए, और ना जाने लिस्ट शुरू करें तो पेट शुमार है। कहने की बात ये है कि आपने सबको माफ कर दिया, सबको, तो हम हमारे दिल इतने बड़े क्यों नहीं हो सकते कि हम सबको माफ कर दें। और मैं आपको बताऊं, सबको माफ करने में सबसे बड़ा फायदा आपकी अपनी जात को है, कि सबसे बड़ा फायदा हमारा ऐसे है, हम सुकून में आ जाते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं ना, हम एट पीस हो जाते हैं, हम कूल हो जाते हैं। मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे याद है मेरी फलाड़ी बहन ने तो मुझे ये कह दिया था, वो मेरी नंद मुझे आके ये सुना गई थी, अच्छा देखना जरा अब आएगी ना तो मैं उसको ये सुनाऊंगी, अब मैं उसको वो सुनाऊंगी। अब आप इबादत कर रही हैं ना, आपका इबादत में दिल लग रहा है, खाना बना रही हैं तो कभी नमक कम ज्यादा, क्योंकि ध्यान आपका उन बातों की तरफ है कि मैं इस बंदे को या इस बंदी को जवाब कैसे दूंगी। लेकिन अगर आप दिल में ये रखें, वल याफू वल यस्फहू, कि मैंने इसको माफ किया, मैंने इसे इग्नोर किया, आप उस बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों दे रहे हैं कि आप अपनी अपनी एनर्जी, अपना बीपी उसकी वजह से अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, इग्नोर करें, वो केस अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, तो फिर देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला कितना बेहतरीन इस चीज का अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं। आया कि देखिए अल्लाह भी तो उन्हें माफ करता रहता है ना, छोटी बड़ी हर बात पे अल्लाह ताला माफ करता है, तो हम किसी को माफ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी तो माफ करेगा ना, हमें भी तो अल्लाह ताला माफ कर ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात, आप एट पीस हो जाएंगे, प्लीज लोगों को माफ करना शुरू करें, और रात को अपनी आदत बना लें, आज की जो हमारी कुरान क्लास है, कि आज के बाद कोई बंदा खास तौर पे, बकायदा ना लिस्ट भी बनाए, अमली पॉइंट, आप लिस्ट बनाए उन लोगों की जिनसे आपको बड़ी नफरत है, चले नफरत शायद बहुत बड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, जिनसे आपको इरिटेशन होती है, ये जिन लोगों की कंपनी में आप बैठना पसंद नहीं करते, अब वजह क्या होगी, वजह यही होगी कि वो लेग पुलिंग कर रहे हैं या आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, आप दिल से उनको माफ करें और इंशाल्लाह ताला देखें कि आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे और सबसे पहले आपकी अपनी सेहत बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सैयदना अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, आपने फरमाया मैं तो अल्लाह की कसम जो अल्लाह चाहे, जब किसी बात पर कसम खा लेता हूँ फिर इसके खिलाफ करना बेहतर समझता हूँ, तो अपनी कसम का कफारा दे देता हूँ और जो काम बेहतर मालूम होता है वो कर लेता हूँ। तो
तो बहरहाल बात यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी निकाला स्कॉलर्स ने कि अगर आप एक चीज की कसम खा लेते हैं, जैसे हम कसम आजकल क्या खाते हैं, जैसे हम अक्सर ही कसमें खा लेते हैं, हराम है मैं तेरे घरों पानी पीवा, या आपको किसी पे गुस्सा चढ़ जाता है, तो आप एक हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करार लेते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप उस कसम का कफारा दे दें और हलाल जो अल्लाह ताला ने हलाल है उसको हलाल ही रहने दें, उसको अपने ऊपर खाम का कसम कहला के अपने ऊपर हराम ना करार दें। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बख्शने वाला, अल्लाह ताला मेहरबान। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुभानकल्लाहुम्म व बिहमदिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद।